हाँ तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो है, जैसा कि आपने टाइटल से देख ही लिया होगा कि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि हमारा डॉग जो बहुत पतला हो रहा है, बहुत पतला हो रहा है। हम उसको दुनिया भर की चीज़ें दे रहे हैं, अच्छे से अच्छा फूड दे रहे हैं, तो भी हमारा डॉग बहुत पतला हो रहा है। तो इसका गाइस मैं सल्यूशन लेकर आ गया हूँ। बट उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आपके डॉग को हर चीज़ दे रहे हो, अच्छा फूड भी दे रहे हो, सब दे रहे हो, उसके बाद भी अगर वो पतला हो रहा है तो गाइस हो सकता है कि आपने डीवॉर्मिंग उसकी नहीं करी होगी, या फिर अगर आपने, सबसे पहले आप चेक करिए कि आपने उसकी डीवॉर्मिंग टाइम टाइम जो उसका है उस टाइम पर करी है कि नहीं। दूसरी चीज़ आप चेक करिए कि डीवॉर्मिंग अगर करी है तो अच्छे से आपने करी है कि नहीं। क्योंकि गाइस डीवॉर्मिंग मैंने देखा है, लोगों को कर तो देते हैं पर उनको अच्छे से तरीका नहीं मालूम होता है डीवॉर्मिंग करने का। तो डीवॉर्मिंग का जो अच्छा तरीका होता है, जो अच्छे से होनी चाहिए, वैसी आपने डीवॉर्मिंग करी है कि नहीं। अगर आपने अच्छे से डीवॉर्मिंग नहीं करी है या फिर डीवॉर्मिंग करी ही नहीं है उसका जो टाइम था उस टाइम पर, तो आप दुनिया भर का कोई भी अच्छा फूड उसको खिला लीजिए लाकर, तो भी वो जो है वेट गेन नहीं कर पाएगा। जो भी आप फूड दोगे उसकी बॉडी पर नहीं लगेगा। तो सबसे पहला फैक्टर था डीवॉर्मिंग। उसके बाद अगर आपने डीवॉर्मिंग भी कर ली है तो भी आपके डॉग का वेट गेन नहीं हो पा रहा है, तो आज की जो मैं डाइट लेकर आया हूँ उससे ज़रूर अगर आप उसको एक हफ्ते 10 दिन देंगे तो ही आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे आपके डॉग में। तो आज की जो डाइट है वो बहुत शानदार वेट गेन जिनको आप अपने डॉग को करवाना है उनके लिए बहुत शानदार डाइट होने वाली है। वैसे तो गाइस मैं प्रेफर नहीं करता हूँ ज़्यादा आपके डॉग को मोटा करना, बट ठीक है, जैसे भी आपको करना है। तो मेरे को खैर रिक्वेस्ट भी आ रही थी गाइस कि हमारा भैया डॉग बहुत पतला हो रहा है तो कुछ डाइट बताइए जिससे वो मोटा हो। तो गाइस आज की वीडियो में वो डाइट कवर करने वाला हूँ। तो ठीक है गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर है राइस, यहाँ पर मेरे पास है कर्ड, यहाँ पर है पोटैटो जो कि बहुत अच्छे होते हैं, देने चाहिए आपको वेट गेन के लिए। एंड इधर पे है मेरे पास कुछ डॉग फूड। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, डॉग फूड का हमेशा इंक्लूड करें डाइट के अंदर, क्योंकि डॉग फूड में गाइस सारी चीज़ें रहती हैं जो आप ऐसे ही रॉ फीड से नहीं दे सकते, वो डॉग फूड के अंदर रहता है। तो डॉग फूड को आप ज़रूर इंक्लूड करें अगर आपको वेट गेन करवाना है। तो एक और बात मैं बता दूं कि अगर आपको वेट गेन करवाना है तो ऐसा डॉग फूड चूज़ करें जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, जैसे कि स्मार्ट हार्ट का पावर पैक है उसमें भी 22% फैट होता है, तो वो आप दे सकते हो। या फिर ऐसे बहुत से डॉग फूड आते हैं जिसमें फ़ैट परसेंट देख लें आप, जिसमें फ़ैट परसेंट ज़्यादा हो वो वाला डॉग फूड चूज़ करें, और प्रोटीन भी अच्छा खासा होना चाहिए, तो एक बैलेंस डाइट हो जाएगी। तो ठीक है गाइस, हम डाइट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगा राइस, इतना राइस लूँगा मैं, एंड इसको हम मिक्स कर देते हैं। ये मैंने राइस लिया, पूरा ही ले लेता हूँ गाइस। गाइस ध्यान दें, ये जो डाइट है ये मैं एडल्ट डॉग के लिए बना रहा हूँ, तो थोड़ा इसमें सब ज़्यादा है। और अगर आप आपके पपी के लिए बना रहे हो, पपी एज में दे रहे हो डाइट, तो फिर इतना ज़्यादा राइस मत लेना, थोड़ा कम राइस लेना। और इधर पर जो पोटैटो है वो भी मैं डाल देता हूँ, मैश करके डालूँगा इसको मैं, और एक और डाल देता हूँ, दो पोटैटो इसमें काफ़ी रहेंगे। और गाइस एक और बात बता दूँ कि पोटैटो जो है वो एसिडिटी करते हैं पेट में, तो अगर आपका पपी है तो उसको ये ऐसा एक ऐसा छोटा पोटैटो लें, उसको दें आप डॉग को अपने, ज़्यादा बड़े से स्टार्ट ना करें और ज़्यादा क्वांटिटी में देना स्टार्ट ना करें, क्योंकि जो पोटैटो होता है वो एसिडिटी करता है। तो ऐसा एक छोटा सा ले लें आप, या इससे भी अगर छोटा लेना हो तो इससे भी छोटा लेकर ही पपी से स्टार्ट करें, और साथ में फिर राइस भी थोड़ा सा एसिडिक होता है तो वो मिलकर एसिडिटी हो जाएगी, इसलिए आप धीरे धीरे देना स्टार्ट करें। एकदम से मेरे जैसे 2 या 3 पोटैटो ना दें, मैं भी आज की डाइट में 2 ही इंक्लूड कर रहा हूँ। इसके बाद गाइस मैं कर्ड डालूँगा। गाइस जैसा कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर तो थोड़ा ठंडा मौसम होने लग गया है, तो कर्ड जो है वो मैंने रूम टेम्परेचर का ही लिया है। बाकी अगर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर भी ठंडक स्टार्ट हो गई है तो कर्ड जो है वो रूम टेम्परेचर का ही लें, और ज़्यादा ठंडा कर्ड ना दें, नहीं तो उससे भी डॉग की तबीयत ख़राब हो सकती है। बाकी गाइस इसमें मैं डॉग फूड भी डाल दूँगा, बट उससे पहले मैं एक बात आपको और बता देता हूँ कि इस डाइट में अगर आप चाहें तो आप एग या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअली अभी नवरात्रि चल रही है तो मेरे पास एग चिकन कुछ भी नॉनवेज नहीं है अभी मेरे पास,
और मेरे को वीडियो बनानी थी, तो इसलिए मैंने आज की डाइट में इंक्लूड नहीं करा। अगर मेरे पास अभी होता तो मैं उसको ज़रूर इंक्लूड करता। एग डालें आप, और एग में येल्लो पार्ट भी डालें। ये नहीं करना है कि येल्लो पार्ट हटा दिया, सिर्फ वाइट वाइट डाल दिया, येल्लो पार्ट भी डालें। इसमें आप दो एग, एडल्ट डॉग के लिए दो एग भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर छोटा डॉग, अगर बहुत छोटा पपी है तो आधा एग डालें, अगर थोड़ा ठीक ठाक मीडियम पपी है तो उसमें आप एक अंडा डालें। बाकी गाइस, इधर पे मेरे पास डॉग फूड है। डॉग फूड तो जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हर चीज़ में इंक्लूड करता ही हूँ और बोलता भी हूँ कि डॉग फूड देना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने डाल दिया राइस, कर्ड, पोटैटो एंड डॉग फूड। बाकी गाइस, फिर से एक और बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको आपके पास चिकन, एग या कुछ भी नॉनवेज है तो वो भी, मटन तो कुछ, फिश भी है तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये कंप्लीट डाइट हो चुकी है। इसमें अपना राइस भी है, पोटैटो भी है, कर्ड भी है, डॉग फूड भी है। अगर नॉनवेज होता तो मैं नॉनवेज भी डाल देता। और अगर आप चाहें तो इसमें गाइस आप लोग सप्लीमेंट्स वगैरह भी डाल दें। मैं गाइस ओरली देना प्रेफर करता हूँ, मेरे पास टैबलेट्स है तो मैं डायरेक्टली टैबलेट ही देता हूँ एज ए ट्रीट, तो इसमें मैं डाइट में नहीं डालता हूँ। अगर आपको डालना है तो आप टैबलेट या फिर सिरप आपके पास हो तो मल्टीविटामिन वगैरह, लिवर टॉनिक, ये सब चीज़ें भी इसमें डालें, बहुत अच्छा रहेगा। एक और गाइस, एक और सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि एक कंप्लीट डाइट ही बन जाए तो इसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं जो कि डॉग के लिए अच्छे रहते हैं। फ्रूट भी डाल सकते हैं, एप्पल भी डाल सकते हैं, कैरेट वगैरह डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, जिससे कि एक कंप्लीट डाइट हो जाएगी। अभी इसको हम एक मिक्स कर देते हैं एक बार इसको, तो आपको देखने में और सही लगेगा ये। तो ये देखिए गाइस, एट द एंड ये हमारी कंप्लीट डाइट तैयार हो चुकी है वेट गेन के लिए। इसको गाइस 1 हफ्ते 10 दिन में ही आपको इसके रिजल्ट पक्के से दिखने लग जाएंगे। एंड इसको अगर आप 1 महीने कंटिन्यू रखोगे तो कम से कम 1 किलो वेट तो बढ़ ही जाएगा। बट गाइस, अच्छे से देना एंड डीवॉर्मिंग एक बार चेक कर लेना, डीवॉर्मिंग ज़रूर करना। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो ये डाइट देने से पहले आप एक बार डीवॉर्मिंग कर लीजिए अच्छे से, और फिर ये डाइट स्टार्ट करिए। डॉग फूड इसमें गाइस कम ही है, तो एक अच्छी ब्रांड का डॉग फूड यूज़ कर लीजिए जिससे कि अच्छे रिजल्ट्स आएँ। बाकी आपको पोटैटो, राइस, कर्ड ये तो आप लोग यूज़ कर ही लेंगे, ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एंड बाकी इसमें गाइस चिकन एंड एग भी डालें आप ज़रूर। अभी नवरात्रि है तो मैंने नहीं डाल पाया हूँ, आप लोग भी, आप अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें। इसमें सप्लीमेंट्स भी ऐड करें एंड बॉयल्ड वेजिटेबल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, एक कंप्लीट डाइट हो जाएगी। तो ठीक है गाइस, ये वीडियो यहीं तक की थी। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं और भी नई अच्छी वीडियोज़ में। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें आगे की वीडियोज़ के लिए। तो ठीक है गाइस, थैंक यू।